और डुमरी उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की एंट्री पर सियासत जारी है। बीजेपी प्रवक्ता ने एआईएमआईएम को एनडीआ गठबंधन का ए टीम बता दिया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि एनडीआ गठबंधन को स्टार प्रचारक एआईएमआईएम के ओवैसी को उतारना दिख रहा है कि डुमरी में इंडिया गठबंधन की पकड़ ढीली हो गई है। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने डुमरी विधानसभा में उत्तेजक और तुष्टिकरण वाला भाषण देकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। ऐसे भी यह देखा जाता है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और उस फसल को इंडिया गठबंधन काट कर ले जाता है। वहीं प्रतुल शाहदेव ने कहा कि डुमरी में भी ओवैसी को उतारकर इंडिया ने यही तैयारी की है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार से नाराज वोटर इस बार एनडीए के उम्मीदवार को बड़ी जीत दिलाएंगे। आईएनडीए गठबंधन को डुमरी उपचुनाव में अपनी निश्चित हार दिख रही है, इसलिए आज उन्होंने अपने ए टीम ओवैसी साहब को प्रचार के लिए उतार दिया। और हम मानते हैं कि ओवैसी साहब और उनकी पार्टी एआईएमएम जो है वो आईएनडीए की ए टीम है, क्योंकि जहां भी इन्हें मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराना होता है ये ओवैसी को उतारते हैं, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं और उसके बाद उसकी फसल जो है आईएनडीए गठबंधन के लोग काट लेते हैं। और डुमरी उपचुनाव में भी यही हुआ। आज ओवैसी साहब ने बहुत उत्तेजक भाषण दिया, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराया, लेकिन जाहिर तौर पर इस ध्रुवीकरण का फायदा सीधे तौर पर जेएमएम को होगा। तो अब जेएमएम को साफ तरीके से डुमरी उपचुनाव में अपनी हार दिख रही है, इसलिए अब उन्हें अपने ए टीम का सहारा लेना पड़ा। देखिए आईएनडीए गठबंधन को डुमरी उपचुनाव में अपनी निश्चित हार दिख रही है। रांची के बुड़मू थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। झनकू मुंडा नाम का एक शख्स बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। 133,000 हाई वोल्टेज बिजली के पोल पर युवक को देख आसपास सफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों की माने तो बिजली के पोल पर चढ़ने वाला शख्स मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पिछले कई दफे से वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। इस बार भी बिजली के पोल पर इस शख्स को देख आनन फानन में बिजली की सप्लाई रुकवाई गई। लोग उसे नीचे उतारने के लिए प्रयास करते रहे। काफी मशक्कत के बाद शख्स को बिजली के पोल से नीचे उतारा गया, लेकिन उसे नीचे उतारने में लोगों के पसीने छूट गए। जब वो शख्स बिजली के पोल से नीचे उतरा तो इलाके में बिजली की सप्लाई फिर शुरू हो गई। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से हाई टेंशन लाइन के पोल पर चढ़ने के बाद वहां हंगामे की स्थिति हो गई और लगातार लोगों के जुटने का सिलसिला बना रहा। काफी मशक्कत के बाद युवक को उतारा गया। आप देख सकते हैं किस तरह से हाई वोल्टेज तार पर युवक चढ़ गया था। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना प्रभारी सतीश कुमार ने रक्तदान कर 12 वर्षीय मुस्लिमा खातून की जान बचाई। बताया जा रहा है कि 12 वर्षीय मुस्लिमा खातून जो पलास बेना गांव की रहने वाली है थैलेसीमिया से पीड़ित थी। ऐसे में उन्हें बी पॉजिटिव रक्त की अति आवश्यकता पड़ गई थी, जिससे उनके पिता काफी परेशान थे। परिजनों ने ब्लड बैंक में जाकर पता किया तो वहां भी बी पॉजिटिव ब्लड उपलब्ध नहीं था। ऐसे में थक हार कर इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष वानिद शेख से संपर्क किया गया तो इंसानियत फाउंडेशन के अध्यक्ष ने मुफस्सिल थाना प्रभारी को फोन कर बताया कि एक बच्ची को बी पॉजिटिव खून की जरूरत है, जिसके बाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने रक्तदान कर दूसरों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रक्तदान जो होता है महादान है, इसीलिए आज हम लोगों ने रक्तदान किया है। हर वर्ष जो होता है थैलेसीमिया पीड़ित जितना भी मरीज होता है जिनको ब्लड की कमी से हर महीने गुजरना पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ता है। आज एक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बी पॉजिटिव ब्लड का आवश्यकता पड़ी और सूचना हमको मिलते ही हम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी श्री सतीश कुमार सर से हम बात किए और वो तुरंत रक्तदान के लिए तैयार हो गए और हम लोग के साथ पाकुड़ रक्त आर्कोस आकर बी पॉजिटिव रक्तदान किया। और तब चंदन क्यारी प्रखंड कार्यालय में मंगलवार को 2 माह से अनाज नहीं मिलने से नाराज दो पंचायतों के कार्डधारियों ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट को जाम कर दिया, जिसके बाद इस मामले पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सचिव संजय कुमार ने संज्ञान लिया और डीएसओ बोकारो को 15 दिनों का वक्त दिया है, संबंधित पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए जवाब तलब करने को कहा है। उन्होंने बताया कि आयोग के व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों और तथ्यों के आधार पर 15 दिनों के अंदर आयोग को पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई कर आगे अपडेट देने को कहा गया है।